विजय मारो पापा, अच्छे से मारो मुझे। मैं शादी में नहीं गया था इसलिए मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दो। जब तक आपका गुस्सा शांत हो जाए तब तक मारते रहो, मारो ना। लगता है अंदर छुपकर सारी बातें सुन ली तुमने। ए, बाप के दिल की बात एक बेटा ही समझ सकता है। और तुम जरा शांत रहो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। पापा मैं शादी में क्यों नहीं पहुंच पाया? इसी के कारण। ऐसा क्यों हुआ तुम मुझसे नहीं पूछोगी माँ? कैसे हुआ? कैच इट। मैं ट्रेन में बुक पढ़ता हुआ जा रहा था, सामने वाला मुझसे बात कर रहा था। ए हट, मैं उससे बात करने लगा, तभी अचानक उसने मुझे अपने बैग से निकाल कर ये बिस्किट खिलाया। अनजान लोगों की चीजें खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था ना? लेकिन दिखने में वो पापा की तरह था माँ। ठीक है आगे क्या हुआ? मुझे इतना याद है कि मैंने इसमें से सिर्फ एक बिस्किट खाया था, और जब मेरी आँख खुली देखा मदुराई स्टेशन पर अकेला खड़ा हूँ मैं। मदुराई स्टेशन पे तुम अकेले खड़े थे और कोई भी नहीं था? ठीक है, मैं बैठा था, अब विश्वास हुआ। क्या माँ, ये भावना के शक की बीमारी आखिर कब दूर होगी? वो नहीं सुधरेगी, तुम आगे बोलो। मैं कहाँ था पापा? मदुराई स्टेशन पर। हाँ, मदुराई स्टेशन से उतर कर वो चांदी की कलसी, पहले उसके बारे में पूछो। इस उम्र में तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है कि नहीं? बात बदलो मत भैया, कलसी कहाँ है? वो चांदी की कलसी। हाँ वो ठीक है, वो कहाँ गई? देखो ये सोचने लग गया। मैं क्यों सोचूंगा, सोचने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताता हूँ मैं, हाँ हुआ क्या होगा। अरे हाँ, उसने बिस्किट खिलाकर वो कलसी चोरी करके ले गया होगा। दिन दहाड़े लूट। रेलवे पुलिस में कंप्लेंट की थी ना? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ए, जल्दी जवाब दो ना। मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, अगर मैं पुलिस पे कंप्लेंट करूंगा तो पापा की कितनी बेइज्जती होगी पता है तुम्हें? भा, पापा तो बात ही नहीं मान रहे। उनको भरोसा दिलाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है। पापा मैंने आपको सब कुछ सच कहा, इस भावना की कसम खा के कह, मां मैं आपकी कसम। नहीं नहीं, 10वीं टॉप करूंगा ये कहकर दादी की कसम खाई थी और वो मर गई। तो फिर पापा की कसम? अरे नहीं बेटा नहीं। सच में मां, तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे बाप रे, अरे बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? भूख से पेट दर्द हो रहा है। अम्मा मेरी पूरी गायब हो गई। पापा से कंप्लेन करो, ढूंढ कर लाएंगे। नहीं तुमने ली है। माँ क्या हुआ? इसे मेरी पूरी चुरा ली। पुलिस का बेटा होकर भी चोरी करता है। ए तू हमेशा उसे लड़ती क्यों रहती है? कभी तो ठीक से बात किया कर। ये ले, जब देखो शुरू हो जाती है। मैं क्या करूँ इन बच्चों का? I don't know। तुम ऐसा राजा को वहाँ पर तैनात कर दूँ? हाँ ठीक है मैं बात कर लूंगा। यहाँ से मेरी पूरी कहाँ गई? वेरी सॉरी पापा, आपकी पूरी आई नहीं तो जाएगी कहाँ? मैंने देखी थी। अरे पापा आप तो 24 घंटे नजर रखने वालों में हैं, भला आपकी नजर से बचकर पूरी जा कहाँ सकती? पापा मैंने खुद यहाँ रखी थी। मानता हूँ पापा आपने रखा होगा, उधर देखिए, ध्यान से देखिए, लगभग 12 पूरी खाकर बुलडोजर की तरह अभी भी चल रही है। जरा पूरी लाना। अरे पापा पूरी तो कब की खत्म हो गई? माँ पापा को बासी चावल परोस दो, इनको बहुत भूख लगी है। तुमने खा लिया? हाँ खा लिया। ये लो मेरी माँ ने बनाई है, बहुत टेस्टी है। ये लो खा लो ना। पानी पी लो बेटी। मुझे हिचकी नहीं आ रही माँ। अरे कैसी आवाज है? मैं हूँ पापा। पानी लाओ क्या बेटा? हाँ मैं आता हूँ माँ, मैं जाकर पानी लाता हूँ। अरे पानी यही बैठकर पियो ना। माँ बाप के सामने पानी पीना अच्छा नहीं लगता ना, मैं इसलिए अंदर ले जाकर के पी लेता हूँ। एक बात तो बताओ, ये हिचकी की आवाज डबल डबल क्यों आ रही है? सुनो अच्छा है, तुम्हें डबल नहीं दिखाई पड़ता, वरना इस टेबल को भी कंपेयर करना पड़ता। अब तुम वास्तु के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। सुनिए इस घर को भेज दे क्या? अरे ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। ये लो। मेरी बात सुनो, तुम अभी कुछ देर आराम कर लो। तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट और बाकी सारे काम मैं संभालूंगा, ओके? तुम आराम से यहां सो जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूं। गुड नाइट। ए, तूने किससे पंगा लिया पता है तुझे? पता है। अभी वो लड़की कहां है?
किसी को पता नहीं वो लड़की मेरे घर में है। बाप रे, वो तेरे घर में है? ए विजय, तो अपना फैसला बदलता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्यों है ना, बोलो। मैच हुआ, हार के आ गए का? ए, कौन हार गया रे? साले छपरा के लोमड़ी हम, आ जाओ एक एक करके सबको हरा देंगे। अरे काहे का लोमड़ी, अगर मदुरई का मैच खेला होता तो ये कमीने ऐसा बोल रहे होते का? टेंशन मत लो, इस मौके पर अभी हमें चुप रहना होगा। मैच हो जाने दो, फाइनल में देख लेंगे। ए विजय, क्या अभी तक सो रहा है? उठ जा, चल 8 बजने को आए हैं, उठ जा बेटा। कैसे ब्लैंकेट में घुसकर सो रहा है विजय? उठ जा, कॉफी पी ले, चल। सब सामान इधर उधर फेंका है, पूछो तो बड़े बड़े डायलॉग सुनाने लगता है। पता नहीं कितनी फिल्में देखता है, घर को कबाड़ खाना बना कर रखा है। माँ, क्या हुआ? मेरा चश्मा कहाँ चला गया? सब मुझे से पूछो। माँ, क्या हुआ? माँ, मोटू कॉफी पीकर बाबा सो गया है। माँ, आती हूँ। ये कैसी आवाज थी बेटा? माँ के जैसा, मुन्ना के जैसा। सुन ले। क्या है? मेरा ड्रेस लेना है। तुम्हारी ड्रेस यहाँ नहीं है। मेरा पिंक वाला चूड़ीदार इसी में, माँ ने बोला है। दूसरी ड्रेस नहीं है क्या? पिंक कलर पहनना जरूरी है क्या? जाए यहाँ से। ठीक है। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। ये देखो, आजकल तुम बहुत ज्यादा ही उछल रहे हो, मैं तुम्हें देख लूंगी। विजय, खड़ा होकर क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं। सुबह उठकर 2 चीजें सबसे पहले कर लेनी चाहिए, पता है ना? क्या माँ? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। और दूसरा नहाना, जो प्रार्थना से पहले करना चाहिए। चल अब जाकर नहा ले। माँ भी अब बोलना सीख गई है। देखने में लड़की जैसी है ना? ये गुड़िया है माँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे लड़की खुद ही आके बैठ गई हो। हाँ, वो मैंने किसी लड़की को लाकर यहाँ गुड़ियों के बीच बिठा दिया है। तुम भी ना माँ, जाओ यहाँ से। अब चेहरा खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक चीज कम दिख रही है। हाँ, टीका नहीं है। माँ, तुमको टीका ही लगाना है ना? लो, मैं लगा देता हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है, तू जाके नहा लेना। मन्नू पांडे आने वाला है, वो बहुत गुस्से में है। ये क्या, यहाँ तो सब मॉर्निंग टीवी देख रहा है। सर, आपने जो भी बताया उसके मुताबिक हमने स्केच तैयार किया है। देखिए, ये नहीं है, ये सर, ये भी नहीं है, ये सर, ये भी नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। वो दिखने में एकदम अलग है। अरे, वो मेरी शक्ल पे कीचड़ उछाल के गया है और मुझे उसकी शक्ल तक याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम फिट है सर। तो इधर पास आओ और बता कि वो कैसा था। हाँ, मैं बताऊंगा। झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, झूठ बोलेगा तो तू मरेगा। चल चल चल, आ जा जा जा। ए सुनो, ये जैसा बोलता है उसी हिसाब से चित्र बनाओ। बता, तू तूफान की तरह करो और बड़ा करो। ये देखिए सर, और छोटा करो। ठीक है सर। हाँ, इसका दाढ़ी थोड़ा कम करो सर, दाढ़ी को उतारी दो, मूंछ का भी शेव कर दो सर। इसे देखिए सर, जेमिनी गणेशन। अरे सुनो, इसने तो जेमिनी गणेशन की तस्वीर बना दी। पापा पापा पा। अरे इसने तो किसी और की तस्वीर बनवा दी। मैंने तो कहा था सर, वो तो आग की तरह है, इसने कंप्यूटर भी गर्म होकर बंद हो रहा है।
उसको पकड़ने के लिए आप क्या करने वाले हैं? बिना एविडेंस के पकड़ने बोलेंगे तो हम उसको कहां कहां जाकर पकड़ेंगे? आप लड़के को तो जानते नहीं लेकिन लड़की को तो पहचानते हैं ना, उस लड़की का फोटो दीजिए हम पकड़ेंगे। अरे वाह, ये तो दिमाग वाला पुलिस लगता है, अच्छा दिमाग का यूज किया। नाम क्या है तुम्हारा? शिव सुब्रमण्यम। तुम चिंता मत करो बेटे, सारा राज्य मेरे पीछे है, मैं हर हाल में उसको ढूंढ लूंगा और तेरे सपने पूरे करूंगा, मेरा वादा है। सुनो गोविंद स्वामी, शिव सुब्रमण्यम। हाँ वही 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 वही, फोटो चाहिए, मैं तुम्हें लाके दूंगा, फोटो चाहिए ना तुम्हें, मैं तुम्हें लाके दूंगा। मेरी बात सुनो, अगर ये अच्छा पुलिस वाला भी उसे नहीं पकड़ पाया तो मैं इसका गला दबाकर, बेटे चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें फोटो लाकर यहाँ दूंगा, समझे? सर पासपोर्ट दे दीजिए। वो लड़की आएगी जब भी पासपोर्ट मिलेगा। मानता ही नहीं। ए तू चुप हो जा, उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकी। प्लीज सर, इफ द कैंडिडेट कम्स आई विल गिव यू द पासपोर्ट, प्लीज गो। क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं हुआ। ए वो सरदार हम लोगों को पासपोर्ट देने से मना कर रहा है। क्यों? कहता है लड़की सामने आएगी तभी पासपोर्ट मिलेगा, ज्यादा कानून झाड़ रहा है। तू तो ऐसा उछल के गया था जैसे पार्टी को जाके डस लेगा, साला बोल बच्चा। अरे उसका बोल बच्चा तो हमसे भी भारी था, अपने झांसे में वो नहीं आया। ए विजय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? एक घंटे बाद तो ऑफिस भी बंद हो जाएगा, कल सैटरडे है और परसों संडे, अगर ऑफिस बंद होने से पहले उस लड़की को लाएंगे तो काम हो सकता है। धनलक्ष्मी तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। धनलक्ष्मी? कौन धनलक्ष्मी? धनलक्ष्मी किसने कहा? कहाँ है ये धनलक्ष्मी? ए, तुम बताते हो या माँ को बुलाओ? भावना भावना प्लीज, भावना मेरी अच्छी बहन। नहीं हूँ। तो मेरी बहन नहीं, मेरी दीदी। हाथ पैर पकड़ के ड्रामा करोगे? नहीं चलेगा, पहले ये बताओ ये धनलक्ष्मी कौन है। भावना ये कोई ड्रामे का वक्त नहीं है। धनलक्ष्मी भाना भाना, देखो गलत मत समझना, ये बेचारी हालात की मारी है, बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए ये बात माँ को नहीं बताना मेरी प्यारी बहन। क्यों ऐसे चिल्ला रही है? गाले गाले, तू भी अपने भाई की तरह ही हो गई है। अब गाना गाना बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे।